Hello students, a very warm welcome for this video, and we guys are going to talk about what are the questions which could be a bonus questions for JE Main February attempt specifically in maths. ठीक है, ज्यादा नहीं थे, but पता नहीं अभी उसको NTA bonus declare करेगा या नहीं, but we feel that they should be declared bonus, and we have got just two questions, I guess. One question was from 24th Feb shift 1, right? Please see to it, जिनका ये exam आया, मैं बताता हूँ कि क्यों bonus होना चाहिए. The question said, let P and Q be two positive, right? This is the problematic point here. So they are saying two positive numbers. So if they are positive, ये एकदम से strike क्यों करता है? जो एक अच्छा prepared student होगा, वो यहाँ पर देखते ही confused हो जाएगा. क्यों सर, यहाँ पर बोला हुआ था P plus Q is equal to 2. So एकदम से back of the mind calculation चल रहा है कि सर 1.1, 0.7, 0.5, 1.5 कैसे numbers होंगे? और suddenly you see that सर ये जब power 4 हो जाती है, so सर ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, which is not possible. क्यों? अगर हम थोड़ा सा भी logic लेते कि P max की value, अगर आप देखो हमें पता है P max क्या होगा, ये sum 2 है, positive है, तो 2 नहीं हो सकते. but अगर हम 2 मान भी लेते, let's say we would have assumed it to be 2, तो 2 raised to power 4 कितना होता बच्चों? that would have been कितना? 16. तो यार P भी वही है और Q max की भी range कितनी हो सकती थी? max 16. तो यार ये answer आ ही नहीं सकता था, ये पॉसिबल ही नहीं है रियल नंबर्स के भाषा में. और इसका आंसर शायद एनटी ने 16 ये ऑप्शन 4 दिया है. सो इफ वी गो बैक एंड चेक दैट ऑप्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0. इफ यू कैलकुलेट द डी ऑफ दिस, डी इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0. ठीक है, डी कैसा आ रहा है? लेस देन 0. तो यार डी लेस देन 0 आ रहा है, तो पहली बात पॉजिटिव नंबर्स बोलने का कोई सेंस ही नहीं था ना. देयर वाज नो सेंस ऑफ सेइंग पॉजिटिव नंबर्स, दैट मीन दे आर इमेजिनरी नंबर्स. So with the positive real parts or something of that sort should be said. But if I have to solve this question, मैं यहीं पर ही confused हो गया. यार ये possible कैसे है? अगर P maximum value 2 भी लेता हूँ, तो यार maximum answer 32 आ सकता है. How can it go to 272? So I think this question from 24th Feb shift 1 should be a short bonus. The next question which we think should be given a bonus, and this is the last. बाकी सारे अटेम्प्ट्स में सब कुछ सही है. कई बच्चों ने हमें कहा सर वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला, कई उन्होंने कहा सर वो एरिया में, सब सही है, ढंग से सोचोगे तो समझ में आएगा. दिस क्वेश्चन इज अगेन एब्सर्ड क्वेश्चन. इट सेज 24th फिब शिफ्ट 2, इट सेज इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो यहां पर दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्कल. क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर्कल था सर ये, ठीक है. मान लो यहां पर एक कहीं टेंजेंट बनाई गई, यहां पर कहीं नॉर्मल बनाई गई. अब यहां पर प्रॉब्लम कहां थी वो देखते हैं. कुछ ये डायग्राम ऐसा था, ठीक है, दिस वॉज द डायग्राम, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आप डायग्राम प्लॉट करके देखेंगे तो आपसे क्या, आपसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके सर, पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है. सर हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सी हुई? सर ये हुई ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यही होगी सर, ये वाली. तो ये रीजन बनना चाहिए था, बट अगर आप देखते हैं तो ये रीजन जो है ये वाला, ओके लेट मी हाईलाइट इट बाय पेन ओनली देन. सो ये जो रीजन है बच्चों, ये वाला जो रीजन है, ये अब तुम देख रहे होगे ये ट्राइंगल है ही नहीं, दिस इज नॉट इवन अ ट्राइंगल. सो अगर मैं क्वेश्चन आगे नहीं भी बढ़ाता, देन ऑल्सो आई वुड हैव गॉट कंफ्यूज कि सर ये हो क्या रहा है. अदरवाइज क्वेश्चन इज लॉलीपॉप क्वेश्चन कि ये 5.7 है, ठीक है, आपके पास इसका सेंटर भी है. You guys have the center. Center is what? 2.3. ठीक है, 2.3 सेंटर है, 5.7 आपके पास है, तो आप आराम से. तो प्रॉब्लम ये आई, जो आंसर दिया भी गया है, ट्राइंगल तभी फॉर्म होगा कब? जब ये वाला हिस्सा भी ऐड होगा, तभी तो ट्राइंगल बनेगा. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द ट्राइंगल. अदरवाइज इफ क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल फिगर बन रहा था. सो आई गेस दिस क्वेश्चन ऑल्सो लैंड्स अप इन द बोनस कैटेगरी. ये वीक बोनस है जैसे देखा जाए. ये दोनों क्वेश्चन कैसे थे? वीक बोनस. क्यों? अब अगर इसे सीखना क्या है, मान लीजिए अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है, आई डोंट थिंक एनटीए विल गिव बोनस टू दिस, दैट्स द हार्ड कोड रियलिटी. अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा आपको अब इंटरप्रेट करना है, और अपने आप ट्राइंगल अगर बनता है, अब ये बच्चों के ऊपर है, आई एग्री एनटीए ने गलत करा, बट हमें तो नंबर से मतलब है ना यार. गलत करा बोल के हमें अगर चार नंबर नहीं मिले तो हम लॉस पे हैं. सो दैट मीन्स यू हैव नो अंडरस्टैंड दैट दिस माइट बी द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. मुझे पूरा ट्राइंगल, और हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं, तो आप नेवर लीव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. फाइंड आउट द एरिया एज्यूमिंग दिस एज द ट्राइंगल. सिमिलरली इफ वी गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, अगेन डू नॉट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर यहां पर इंसिडेंस क्या हुआ.
आपको क्या करना चाहिए, यू कुड हैव सॉल्व्ड इट. आई अंडरस्टैंड दैट यस आप फंस गए इसको देख के, आप सॉल्व करके आते, यू शुड हैव सॉल्व्ड दिस विदाउट थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. अगर ये आंसर आ रहा है ये मार्क करके आना चाहिए था, बिकॉज यू नेवर नो वेदर यू विल गेट द बोनस और नॉट. सो दीज वर द ओनली टू क्वेश्चंस व्हिच वी गॉट फ्रॉम द पेपर इन टर्म्स ऑफ व्हिच वी थिंक अ बोनस. अगर आप क्लेम करने की बात कर रहे हैं तो दीज टू क्वेश्चंस यू कुड क्लेम. आई डू नॉट नो हाउ दे आर गोइंग टू मार्क इट एज अ बोनस और अ नॉट बोनस, बट लेट्स लीव इट. घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ अकेले के नहीं हुआ, सबके साथ हुआ. तो भी चिल्लाना मत शुरू करना दैट मेरे ही साथ क्यों हुआ ऐसा. इट हैपेंस विद एवरीवन एंड दैट इज व्हाई द परसेंटाइल इज देयर. सो यू आर नॉट गोइंग टू बी पिचिंग अगेंस्ट अ कैंडिडेट हु डिडंट गॉट एनी बोनस इन 25th और 26th. आपका सेशन के हिसाब से आपका परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है. तो उन सबको ही अगर बोनस मिलता तो सबको मिला, ठीक है. बट आगे से हाँ, टाइम जरूर वेस्ट हुआ है ये मैं मानता हूँ, उसके लिए आप पूरा सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट वॉट इज स्टिल मोर ट्रबल पॉइंट फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम, specifically for the students who are targeting the April and the March attempt, and what you require from me, Anoop sir, that I can help you out with. God bless, keep working hard.